हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में बात करने वाले एक ब्रेकआउट से रिलेटेड। कल की डेट में हमने एक अगर बात करें एक वीडियो बनाई थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर देख सकते हैं, JTET गिट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और यहाँ पर ब्रेकआउट था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये शेयर आपको 61% तक की अपसाइड दे सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो इसी से रिलेटेड एक और वीडियो है, वहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। यह ब्रेकआउट का मतलब है आपको एक 61% के गेन के लिए ना एटलीस्ट 6 से 1 ईयर तक, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए, आप FD में पैसा लगाते हैं तो आप 7% इंटरेस्ट के लिए आप 1 साल वेट करते हैं, तो क्या 61% के लिए आप 1 साल वेट नहीं कर सकते? और वो भी तब जब आपका CAGR मतलब 20% आपका 60% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, और वॉरेन बफेट तो 20% के रिटर्न मिल जाते हैं तो अच्छा समझते हैं, और यहाँ पर आपको 61% के रिटर्न 7% के मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपको 1 साल रुकने की या 6 महीने रुकने की जरूरत होती भी है। तो अगर बात करें यहाँ पर एक और ब्रेकआउट स्टॉक है सिम्फनी, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, आपको दिखाऊंगा सारे चार्ट पैटर्न एंड एवरीथिंग, तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, कल की डेट में काफ़ी सारी वीडियो आई, तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर, देखिए मैंने न्यूज़ देखी थी तो उसी के बेस पे मैंने बताया था लगभग 90 लाख शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं, बट एक वहाँ पर सेल भी हुई है बल्क डील में, और यहाँ पर NSE में कल हमने देखा भी था डिलीवरी बेसिस पे 34% लगभग 90 लाख समथिंग शेयर यहाँ पर उठाए गए थे, तो मुझे कमेंट आ रहे थे, तो इसके लिए बताना चाहता हूँ कि आई कुड बी रॉन्ग, ओके नो डाउट, मैं और उस अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो न्यूज़ थी, उसी न्यूज़ के बेस पे मैंने आपको बताया था, वो न्यूज़ TV पे चल भी रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, और अगर आप मार्केट में डेली बेसिस पे आप बने रहते हैं तो आपने भी देखा होगा, तो वहाँ पर शायद थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया होगा या फिर वो न्यूज़ सही है क्योंकि TV ने दिखाई थी, और ऑब्वियसली बात है 90,000 हमने डिलीवरी बेसिस पे NSE की साइट पे देखे भी थे, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस बेस पे बोला था। बाकी हाँ, एक बल्क डील हुई है सेल की भी जिसमें 82 लाख शेयर यहाँ पर बेचे गए हैं, तो उससे भी जाके आप कंफर्म कर सकते हैं, बाकी 90 लाख शेयर यहाँ पर कल की डेट में उठाए भी गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के रिजल्ट्स थे जो कि आपने देखे, उसके लिए धन्यवाद। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, हम बात कर रहे हैं सिम्फनी, तो सिम्फनी की बात करें तो देखिए ब्रेकआउट आ चुका है, ओके और ये शेयर आपको अच्छे खासे गेन दे सकता है, कितने गेन दे सकता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, ओके डेट फ्री कंपनी, एक बार बोनस, एक और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार स्प्लिट जो कि अब हम भी देखेंगे कंपनी ने दिया है, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस बार के आए हैं, तो कंपनी ऐसी कंपनी जब भागती है ना तो अच्छा खासा रिटर्न देती है, और जब टेक्निकल में ब्रेकआउट आया निकलता है ना तो ऐसे नीचे के लेवल पर शेयर को अगर खरीद लिया और हमने 1 साल दे दिया और हमें 50% 60% के रिटर्न मिल गए, तो मतलब आप अच्छे खासे गेन, आप अच्छे खासे पैसे मार्केट से कमा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 1087 पर शेयर था तो ब्रेकआउट आया, यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर भागा, बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अदरवाइज ये लगभग 5% के आसपास भाग चुका था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, वॉलेटिलिटी से भरा हुआ है नो डाउट ये शेयर, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर जिस तरीके से डिलीवर कर रहा है अपने आपको रिटर्न को एज वेल एज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो इस ऐसी कंपनी में बना रहना चाहिए जहाँ पर डेट फ्री कंपनी हो, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर NSE की साइड पर तो 1,08,805 शेयर डिलीवरी बेसिस पे लगभग 37% के शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं, 52 वीक लो की बात करें 755 का शेयर था, अगर बात करें 52 वीक हाई की तो 1528 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था 3 मार्च को, उसके बाद सीधे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर अच्छे रिजल्ट के बावजूद शेयर गिरते हैं वहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है जो कि आपको अगर वेट करते हो थोड़ा सा तो आपको अच्छे खासे गेन मिलते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट देखिए ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, डिविडेंड भी कंपनी देती आई है, अगर बात करें यहाँ डिविडेंड दे सकते हैं देख सकते हैं, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, अगर बात करें 73% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, बाकी HNI DIS के पास यहाँ पर शेयर भरे हुए हैं। बोनस की बात करें 2016 में कंपनी ने बोनस दिया था, दोबारा कंपनी बोनस दे सकती है जिस तरीके से चल रही है। स्प्लिट की बात करें यहाँ पर कंपनी का फेस वैल्यू 2012 में यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ है ये शेयर, तो ऐसे शेयर देखिए स्प्लिट भी दे रहा है, बोनस भी दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, तो ऐसे शेयर की तरफ हमें हमेशा देखना चाहिए। अब सिम्फनी से रिलेटेड अगर इसकी वेबसाइट पर हम जाके देखते हैं तो देखिए ये क्या क्या चीज बनाती हुई दिखाई देती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कूलर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आप देख
देख सकते हैं, इनके मतलब एसी की तरीके के यहाँ कूलर होते हैं, सिर्फ एसी में तो कंपनी काम नहीं करती। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर से रिलेटेड एक्सपीरियंस, विंटर थ्रू आउट द ईयर, इस तरीके के यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं। ये ऑफिशियल यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर एयर कूलर भी बनाते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर ये कंपनी, एज वेल एज टॉप वाले भी बना के दिखाई देते हैं। इंडस्ट्रियल बात करें, कमर्शियल कूलर बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कूलर बनाते हैं, हाउस के लिए तो बनाते ही बनाते हैं। प्रोडक्ट इनके सेल आउट भी होते हैं और काफ़ी छोटी रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक यहाँ पर प्रोडक्ट इनके मिलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउस होल्ड कूलर, कमर्शियल और यहाँ पर हर तरीके के कूलर आपको नजर आते हुए दिखाई देंगे। इनकी वेबसाइट पर एक बार डेफिनेटली विजिट कर लीजिएगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हर कोई तो देखिए एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट अगर बात करें कूलर की जो कि 4,000 से 5,000 के बीच में आ जाता है और उसमें भी एसी जैसा ही मज़ा आता है, तो उसी तरीके की हवा आती है, उसी तरीके की ठंडक आती है, तो ऑब्वियसली बात है 4,000-5,000 रुपये हर कोई अफोर्ड कर लेता है। और जबकि यहाँ पर और प्रोडक्ट अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो, वारंटी आपको दे रही हो, तो आपको इसके साथ रहना चाहिए। बात करें यहाँ पर और भी की, देखिए इंडिया में 59% का रेवेन्यू है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 41% यहाँ पर प्रोडक्ट का यहाँ पर रेवेन्यू आता है। यहाँ पर बात करें 1988 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था अहमदाबाद की कंपनी है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यहाँ पर मार्केट है। स्मॉल कैप कंपनी है, 7.5-7.8 करोड़ रुपीज़ का, ज़्यादा पैसा आपको लगाना नहीं है, अपना कैपिटल देख के उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है। आरओसी की बात 20 के आरओसी पे कंपनी काम कर रही है, काफी बेहतरीन है। डेट की बात करें 0% का डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है, सारे इसके सारे चीजें इसके फेवर में है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट 212 करोड़ रुपए की रिजल्ट देखिए सबसे ज्यादा होते हुए दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का सबसे ज्यादा, पिछले 12 क्वार्टर का यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी लगभग अगर बात करें सबसे ज्यादा यहाँ पर, एक बार बीच में यहाँ पर ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया था, बट स्टिल अगर बात करते हैं यहाँ पर अभी की डेट में सबसे ज्यादा यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी है। और ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो 171 से लेकर सीधे 488 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर सबसे लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा था यहाँ पर, फिर उसके बाद एक और दो क्वार्टर बीच में है, बट स्टिल अभी भी बात करें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। डेट फ्री कंपनी अब बन चुकी है, यहाँ पर देखिए रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, जीरो कोई भी डेट नहीं है। कंपनी देखिए अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर खर्चा भी कर रही है, यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 579 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर 25 करोड़ का, 81 करोड़ का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिस्की स्टॉक है, बट स्टिल अगर जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। अगर बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, 73% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल डिट्टो ही कह सकते हैं। अगर इसके अलावा FIs की बात करें, FIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 4.33 है। इसके अलावा DIS की बात करें, DIS ने भी अपनी यहाँ पर लगभग सेम ही हिस्सेदारी है, एक्सिस, HDFC, UTI, DSP, एक्सिस, HDFC म्यूचुअल फंड यहाँ पर सब ने हिस्सेदारी ले रखी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी देखिए यहाँ पर 1.2% की हिस्सेदारी यहाँ पर दो HNIs ने ले रखी है। अदरवाइज बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल की, तो यहाँ पर लगभग 9.5% के आसपास की शेयर पब्लिक के पास है, बाकी सारे शेयर बड़े लोगों ने यहाँ पर उठा रखे। लंबी टाइम थोड़े सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखे तो शेयर अच्छा खासा भाग सकता है। बट टेक्निकल की बात कर लेते हैं अब सीधे, तो टेक्निकल एक ब्रेकआउट मुझे नजर आता है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं इसका, देखिए मैक्सिमम ये शेयर यहाँ पर जब आप देख सकते हैं जाता हुआ दिखाई दिया था 2190 रुपये पे, और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्रेकआउट की, तो यहाँ पर देखिए दो चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप बातें कर सकते हैं। ओके, एक तो यहाँ पर इस तरीके का ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं एक ये और इसके बाद ये, इस तरीके का ये चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पर, कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर हम देखते हैं दूसरा, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बार, तो यहाँ पर देख लीजिए। ओके, अगर इसके हिसाब से भी चलते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके हिसाब से ऑल टाइम हाई आता हुआ हमें साफ नज़र आता है यहाँ पर। अगर हम इसके यहाँ से टिप उठा लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए 106%, और इसको उठा के अगर हम इसकी नेक लाइन पे यहाँ पर रख देते हैं, ओके, जहाँ पर से गया था, तो मतलब अपने ऑल टाइम हाई तक ये शेयर जा सकता है। एक तो ये हो गया जो कि आपको कितने परसेंट के रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको सिंपल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो सिंपल लगभग लगभग 93-95% के रिटर्न मिलते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और अगर इस चीज़ को भी हटा देते हैं और दूसरा चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें साफ नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को इधर से उठा के देख लेते हैं, हमने अभी यहाँ पर देखा था, यहाँ पर उठा, जो कि बार बार यहाँ पर गैप ले रहा है। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार बनाता है, ये पहले तो यहाँ पर बना रहा था, तो एक ये इसका पॉइंट बन रहा था, ओके। और अगर हम इतना भी अगर नहीं देखते, थोड़ा बहुत टाइम देके, थोड़ा सा ही टाइम के लिए भी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अभी जो इसने हाई बनाया था ना, यहाँ पर बनाया था, अगर हम बात करें 1513 रुपये पे, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कौन सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपके सामने ये वाला, ओके, ये वाला एक चार्ट पैटर्न है, इसके बाद एक यहाँ पर ब्रेकआउट। तो दो तरीके के चार्ट पैटर्न हमें साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी कप विद हैंडल पैटर्न ही है दोनों के दोनों। यहाँ पर से अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पर से अच्छा खासा गेन मुझे तो साफ नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप इसे उठा के दे, यहाँ पर लगा के दे, यहाँ पर लगा लीजिए इसके, ओके, तब भी यहाँ पर इसी तरीके का गेन नज़र आ रहा है साफ के साफ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा गेन। और इतना भी नहीं बात नहीं करते, सिंपल अगर बात करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग में हाई था, ओके, वो भी इतना कितना था, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी 36% के गेन देखें यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी रिसेंट हाई की बात कर रहा हूँ, जहाँ से गिरा था 1500 के आसपास, अगर इतना भी गेन दे देता तो भी 35% है। अगर थोड़ा और लॉन्ग खेलना चाहते हैं, तो और लॉन्ग के लिए एक, अगर एक एक से सवा साल के अंदर अंदर ये आपको इतने परसेंट के गेन, 88% के गेन दे देता है 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, तो काफ़ी बेहतरीन है। जो कि यहाँ पर आपको चार्ट में पूरा दिखा रखा है कि भाई यहाँ से अगर मैं एक चार्ट पैटर्न बनाता हूँ इस तरीके का, तो ये साफ मुझे नज़र आ रहा है कि ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी इसके ऑल टाइम हाई पर। और जब जब इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस बार की सेल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस बार का है। तो इस तरीके के अगर हम स्टडी करके इस शेयर की तरफ ध्यान देंगे, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्टिल डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग यहाँ पर सब चीज़ नज़र आ रही है। बट चार्ट पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें वॉलेटाइल है, तो हर चीज़ को पैरामीटर को देखते हुए आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। बट यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये निकल जाएगा, ये लेवल अगर निकला 1305 रुपये का, जो कि इसका जो एक लेवल बन रहा है 1305-1310 का, ये यहाँ पर से निकला तो समझ लीजिएगा और अच्छा ब्रेकआउट आएगा, फिर तो ये पार्ट को यहाँ पर इससे पूछ नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान दे सकते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म गेन के लिए, क्योंकि कोई चीज नहीं, अगर निकलती हुई दिखाई दे रही है कि ऊपर जाएगी जाएगी, तो इसे और नीचे लेवल से खरीद लेते हैं तो और ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो टेक्निकल में ये जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो कि बताते हैं कि अगर इस तरीके का चार्ट पैटर्न कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो मतलब आपको ये वाला गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर यहाँ पर से आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से अगर नीचे से खरीद लेते हैं तो ज्यादा गेन मिल जाएंगे, बाकी ब्रेकआउट इसका यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है 1310, 1310 ये लेवल निकला, तो यहाँ पर फिर एक अच्छी खासी और बड़ी रैली आती हुई नजर आएगी। तो हम, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बायर हूँ, और बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू दैट, क्योंकि सबसे अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश करती हुई कंपनी नजर आई है। डेट फ्री कंपनी है, आरओसी काफ़ी बेहतरीन है, ओके, तो सब चीज़ यहाँ पर अपने फेवर में नजर आ रही है। और गर्मी का मौसम आने वाला है, ओके, चल ही रहा है गर्मी का मौसम, तो यहाँ पर और सेल्स यहाँ पर शायद और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैसिनेट कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर एक आपको बताया गया है कि सिम्फनी अच्छा खासा गेन दे सकता है। बाकी कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करिए, तभी आप कोई पोजीशन लीजिए। ये नॉलेजेबल वीडियो थी जो कि मैंने आपको दे दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए। और यहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, एक मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, जिसमें आपको फॉर द बिगनर पर्पज आप यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।